नून लीग एहतसाब कवानीन में तरमीम के लिए मुतारिक, मुसव्विदा तैयार करने में कितना वक्त लगेगा? कायमा कमेटी के इजलास में राणा सना का सवाल, 1 से 2 माह लग जाएंगे। हुक्काम का जवाब, 45 दिन ले लें, 3 माह नहीं। राणा सना का रद्द अमल, रियाज फितियाना की जेर सदारत कायमा कमेटी कानून इंसाफ का इजलास। शहबाज शरीफ ने नैब के 90 रोजा रिमांड कानून की मुखालिफत कर दी। कत्ल का रिमांड 14 दिन हो सकता है तो नैब कानून में क्यों नहीं? पार्लियामेंट में सहाफियों से गुफ्तगू, एहतसाब के नाम पर गिरफ्तारी जुर्म है और ये बरसों से जारी है। साद रफीक भी बरस पड़े, कहा चौधरी निसार किसी सूरत फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनाएंगे। साहब के नाम पे बरसों से जारी है, इस क्राइम का खात्मा पहले होना चाहिए। चौधरी निसार अली खान साहब कभी फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनाएंगे, उनका ऐसा कोई एजेंडा नहीं है, मुझे इस बात के बारे में मैं बहुत क्लियरली कह सकता हूँ। नैब करप्शन फ्री पाकिस्तान के लिए पुराजम है, कौम की लूटी गई रकम वापस लाने के इकदाम कर रहे हैं। निजी सोसाइटीज के मुतासरीन को भी रकम वापस दिलाई जाएगी। चेयरमैन नैब का खिताब, एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। नैब ने अलजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस का फैसला चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपीलें दायर कर दी। फ्लैगशिप में बरियत के खिलाफ और अलजीजिया में सजा बढ़ाने की दरखास्त की है। नवाज शरीफ की दरखास्त पर हाईकोर्ट का एतराज, खामियां दूर करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत वफ़ाक़ी काबीना का इजलास, 172 अफराद के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने पर मुशावरत, नामों का इंफरादी जायजा लेने की तजवीज़, केस टू केस जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर करप्शन की बारात कमीशन की बांसुरी बजाते हुए ये ट्रेन जो है वो मुफाहमत की सियासत की ट्रेन पे सवार होकर ये बारात जा रही थी। 2018 के इलेक्शन का पुल आया, उस पुल से ये गिर गई है नहर में। नहर में एहतसाब का पानी है जिसमें ये सारे बाराती जो है ना वो गले गले तक अब इस वक्त डूबे हुए हैं। करप्शन की बारात एहतसाब की नहर में गिर गई, आपने जैसा किया वैसा भर रहे हैं। फयाजुल हसन चौहान की तनकीद, अगली बारी हमारी कहने वालों के खिलाफ मैंडेट मिला है। इमरान खान अपनी नस्लें संवारने नहीं आए, ब्लैकमेल नहीं होंगे। लाहौर में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक जायज कॉन्स्टिट्यूशनल हुकूमत है, सदर का कोई रेस्टोरेंट नहीं है जो गैर कानूनी तौर पर कायम किया गया था जिसको आप गिरा देंगे। खुदारा मैं गुजारिश करना चाहूंगा वफाकी हुकूमत से कि महलाती साजिश छोड़ दें। वफाकी हुकूमत साजिशें करना छोड़ दे, सिंध हुकूमत कोई गैर कानूनी रेस्टोरेंट नहीं जो गिरा दिया जाए। मुर्तजा वहाब की घनघरज, सिंध को पूरा पानी नहीं दिया जा रहा, गैस भी बंद कर दी गयी, विफाक सिंध की तरक्की रोकना चाहता है। मीडिया से गुफ्तगू। खुर्रम शेरजमान वजीर आला के इस्तीफे के मुतालबे पर डट गए, सिंध के मसाइल बहुत ज्यादा हैं, हुकूमत ने काम न किया तो चलने नहीं देंगे। खुर्रम शेरजमान की घनघरज, बिजली पानी सेहत और जमीन पर कब्जे के मसाइल हैं, बताया जाए 11 साल में क्या काम किए। जनवरी के दूसरे हफ्ते में मोमन डैम पर काम शुरू हो जाएगा, चेयरमैन बाबडा का ऐलान। सरमायाकारी के लिए बैन अल-अक़वामी मालियाती इदारे का एतमाद हासिल है। नीलम जेलुम प्लांट के 4 यूनिट कामयाबी से काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सोचा भी नहीं था हुकूमत गैर कानूनी काम तस्लीम करेगी, जो हुक्मरानी का हक नहीं रखते वो क्यों बैठे हैं? जंगलात कटाव केस में चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी, अब तक गैर कानूनी अलॉटमेंट मंसूख क्यों नहीं की? सिंध हुकूमत से जवाब तलब कर लिया, कहा 9 तारीख को कराची में मुकदमा सुनेंगे। बलूचिस्तान में अफसोसनाक हादसा, चमालिंग में कोयले की कान में गैस भंडे से धमाका, 4 मजदूर जहां बहाक हो गए, 1 जख्मी, तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। लाहौर में भारतीय खातून ने मोटापे से निजात हासिल कर ली। 37 साल मौली सासन का निजी अस्पताल में कामयाब ऑपरेशन, खातून का मैदा छोटा कर दिया गया।